के लिए रवाना हुआ। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले के आदिवासी बहुल इलाकों में पंजाब से खेती करने आए सरदारों की दबंगई से आदिवासी समुदाय बेहद भयभीत है। आए दिन आदिवासियों को दबंगों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित आदिवासियों द्वारा लगातार पुलिस को शिकायतें की जा रही है। लेकिन जब शिकायतों पर भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई तो दबंगों का अत्याचार बढ़ता ही रहा, तो आदिवासियों के सब्र का बांध टूटने लगा और 23 गांव के आदिवासियों ने आक्रोशित होकर महापंचायत बुलाते हुए प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यही आरोपियों पर कार्यवाही नहीं हुआ तो अब हम कानून को हाथ में लेकर खुद इंसाफ करेंगे। वहीं महापंचायत में आदिवासियों के समर्थन में पहुंचे बीजेपी विधायक ने जिला प्रशासन और कांग्रेस सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जब सरकार और मौजूदा सिस्टम पिछड़े और आदिवासियों की अनदेखी करती है तो ऐसे हाल में ही आदिवासी और पिछड़े समुदाय के लोग नक्सलवाद की धारा से जुड़ते हैं, जो देश और समाज के लिए घातक होता है। नरसिंहपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। इसलिए आज पंचायत बैठाई गई है। ये पंचायत इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ पे एक पंजाब से सरदार आ गए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे आदिवासियों को जान से मारने की धमकी दी है। और क्या बोलते हो आप, मेरे से ज़्यादा नहीं बोलना, जान से मार दूंगा, गोली मार दूंगा, इस तरह से हमको डरवाते धमकाते। हम सीधे साधे लोग रहते हैं तो इस कारण से हमने जिस पूरे आदिवासी लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि वहाँ पे सरदार के द्वारा पहले भी मवेशियों को, गौ माता को ट्रैक्टर से, मार्शल से कुचल कुचल कर, रगड़ रगड़ कर मारता है, वो भी एक समस्या है। उसके साथ अगर किसी की मवेशी उसके खेत में घुसती या नहीं घुसती तो वो लठ लेकर वहाँ उस घर पे या गांव पे आ जाता है और बोलता है कि ये मवेशी आपकी है, मैं आपको लठ मार दूंगा, जान से मार दूंगा, गोली मार दूंगा अगर आपने इस मवेशी को। और यहाँ से दो बार ट्रैक्टर में भरकर झोंतेसुर साइट मवेशी भरकर ले गया इस गांव की ओर। अभी भी वर्तमान में 3-4 जगह गाय मृत्यु पड़ी हैंगी, अभी जंगल में अपन जाकर देख सकते हैं। और 1-2 गाय जमनिया में, कुदरास में भी बंधी हैं, जो विकलांग यानी लंगड़ी हो गई हैं। क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं, हमने मुन्ना भैया जी को इसलिए बुलाए हैं, पटनिया वाले सब भाई लोगों को इसलिए बुलाए हमने कि वो हमारे साथ न्याय करें। और अगर मान लो अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता तो यह बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेगा, आदिवासी फिर अपनी पे आ जाएंगे और इसका जवाबदार प्रशासन रहेगा। कि हम, यह क्षेत्र पूरा आदिवासी है, यहाँ बहुत अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है हम लोगों के साथ में। यदि हम कोई भी कार्रवाई करते हैं तो शासन हमारे कोई ध्यान नहीं देता है। इस प्रकार से हम लोग बहुत दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यदि इस बार हम मीडिया के माध्यम से या शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि अब हमारी कार्रवाई पर कोई ने ध्यान नहीं दिया तो यह आदिवासी लोग बहुत आक्रोश हो जाएंगे और अपना कानून अपने हाथ में ले लेंगे। यहाँ पूरा आदिवासी क्षेत्र है, बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी यहाँ से निर्वाचित हैं। यहाँ कुछ बाहरी असामाजिक तत्वों द्वारा आदिवासी समाज के बंधुओं के साथ गाली गलौज, मारपीट और जानवरों के साथ ट्रैक्टर से एक्सीडेंट वगैरह करने की घटना यहाँ जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मजदूरी वगैरह भी नहीं देते, तो इस प्रकार ने शिकायतें भी की हैं। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के अगर दूरांचल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में कोई घटनाएं बढ़ती हैं और प्रशासन उसमें सहयोग नहीं करता तो नक्सलवाद, माओवाद ऐसी प्रकार से तैयार होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ 2002 में भी एक घटना हुई, यहाँ हुई थी, गोड़वाना के लोग नरसिंहपुर गए थे, उनके साथ मारपीट हुई थी, बहुत भयंकर यहाँ जाति संघर्ष की स्थिति बनी थी। उस समय भी आदरणीय प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री थे और हम सब लोगों ने आके निवेदन करके सामंजस्य बनाया था, वो स्थिति पुनः बनी है। 2002 में भी कांग्रेस की सरकार थी और आज भी कांग्रेस की सरकार। और जहाँ जहाँ मैं ऐसा मानता हूँ नक्सलवाद या आतंकवाद या कई प्रकार की घटना जो कांग्रेस के शासन में तैयार होती है, उसकी पृष्ठभूमि में तैयार करने वाले कांग्रेस के बंधु होते हैं, क्योंकि शोषण करना, लोगों का अत्याचार करना उनके स्वभाव में है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो हमारे आदिवासी भाई 30 तारीख के मेरे पास गए थे, हम लोगों से उन्होंने बात की थी, मैंने कहा कि आप विधानसभा अध्यक्ष जी के पास गए हैं कि नहीं गए, बोले वो नहीं मिल पाए, तो हम लोग आए हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं।